बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है। मल्लिका शेरावत अपने करियर में ना जाने कितने ही बोल्ड और इंटीमेट सीन कर चुकी हैं। फिल्मों और सीन के चुनाव को लेकर मल्लिका शेरावत को एक तरफ जहां बेहिसाब पॉपुलरिटी मिली, तो वहीं इसके लिए उन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया था। मल्लिका शेरावत के बारे में कई तरह की बातें की गई थी, लेकिन एक्ट्रेस ने अपने ट्रैक पर चलना जारी रखा। मल्लिका हुई कास्टिंग काउच की शिकार। मल्लिका शेरावत इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज नकाब को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मल्लिका शेरावत ने कास्टिंग काउच को लेकर अपना अनुभव और एक्सपीरियंस शेयर किया। एक्ट्रेस से पूछा गया था कि क्या कभी फिल्मी इंडस्ट्री में उन्हें अश्लील ऑफर दिए गए थे, क्या कास्टिंग काउच की शिकार हुई, कब होता है आपके साथ कास्टिंग काउच। इस सवाल के जवाब पर मल्लिका शेरावत ने साफ कहा कि उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना रखी थी कि पुरुष अधिकतर उनसे दूर रहे। मल्लिका शेरावत ने बताया कि उन्होंने कभी भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। मल्लिका शेरावत ने कास्टिंग काउच के बारे में कहा कि अश्लील ऑफर उन लोगों को दिए जाते हैं जो खुद को कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में रखते हैं। मल्लिका शेरावत ने कहा, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, मैंने भी इसका थोड़ा सामना जरूर किया। मुझे लगता है कि वो सभी मुझसे डरते थे। मुझसे इस तरह की बातें करने से पहले मेरे ख्याल से वो लोग नर्वस हो जाते थे। उन्हें लगता था कि मैं पलटकर उन्हें कोई बोल्ड जवाब दूंगी। उन्हें पता था कि ये कोई शर्मीली सी डरी हुई लड़की नहीं है। रात को होटल के कमरे में नहीं की मुलाकात। इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का शिकार होने वाली लड़कियों के बारे में मल्लिका शेरावत ने बताया, मैंने हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखी। मुझे लगता है कि आपके साथ वह सब होता है जब आप खुद को वैसी सिचुएशन में ढालते हैं। मैं कभी बॉलीवुड पार्टियों में नहीं गई, किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ रात को होटल के कमरे में या ऑफिस में नहीं मिली। मैंने इन चीजों को खुद से दूर रखा। मैंने सोचा कि जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिल ही जाएगा। तो गाइस, क्या कहना है आपको मल्लिका शेरावत के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।